अब तो हाथ छोड़ दे, घर आ गया है। और एक चीज ना अपने दिमाग में बिठा ले कि फिल्म देखने नहीं गए थे, मंदिर गए थे भगवान के, हैं अपनी जबान पे ताला लगा रखी हो बस। क्या तोते की तरह मुझे याद दिला रहे हो, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। जय बजरंग बली महाराज, कहो तो अभी से भजन गाती हुई चलूं। अरे ये घर का ताला कैसे टूटा है? कहीं घर में चोरी तो? मना किया था मोहित और छवि को कि घर से बाहर मत जाना, बाबू ने भी मना किया था कि घर से बाहर मत जाना, दोनों फिर भी घर से बाहर चले गए। हे तो आप ही के भाई बहन ना, दोनों की बुद्धि आपसे ज्यादा चले है। हम अपने मन की जरा क्या करने निकले, उन दोनों को भी आजादी मिल गई। अरे भगवान, अब बाबू मुझे ना छोड़ेंगे। अरे जब फिल्म देखने के लिए कहा था तो मना क्यों नहीं किया? दो जूत की लगाते, चुपचाप से मान जाती। जी, अब ना छोड़ेंगे बाबा मुझे। तू चुप करेगी बड़बोली औरत, चुप हो जा, चुप। दिमाग की बैंड बजा जाएगी, मारूंगा थप्पड़ मुंह पे। चुप कर, सोचने दे ना मुझे, सोचने दे। पहले पुलिस वालों को बुलाते हैं, फिर ये मोहित और छवि को ढूंढते हैं। ये दोनों एक बार मेरे सामने आ जाएं बस, इन दोनों को तो मैं ऐसा बैंड बजाऊंगा ना कि जिंदगी भर घर से बाहर नहीं निकलेंगे ये। अरे रो क्या रही है, चुप कर, समेट सारा सामान। मैं जाकर कमरों में देखता हूं कि क्या क्या चोरी हुआ है। बच्चों की याद आ रही है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मोहित और छवि की तो कुत्ता लड़ाई खत्म ही ना हुई होगी, और बीननी उस पर तो कभी घर की जिम्मेदारी पड़ी ही ना है। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। जा चप्पल पहन ले और देख क्या घर में कि सब ठीक तो है। थोड़ा तेज तेज चलेगी तो 4-6 दिन में पहुंची जावेगी, नहीं जाना तो सो जा और मरने भी सोने दे। हमने तो आज शाम बाहर घूमने जाना था। बहुत खांसी आ रही है बेटा, पानी बदल हुआ है, काल हल्दी वाला दूध पी लीजिए, ठीक हो जाएगा, सो जा। लगता है
गहरी नींद में सो गई। तो किससे पूछकर घर से बाहर गई थी? हाँ, अरे जब मैं मना करके गया था कि घर से पांव बाहर नहीं निकालने, तो तेरी हिम्मत कैसे हो गई तू घर से बाहर चली गई? भैया मैं खुद से नहीं गई थी, मुझको तो मोहित भैया ने भेजा था। इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मुझे थोड़ी ना मालूम था कि मेरे जाने के बाद मोहित भैया ये सब करेंगे। रेश, मोहित की तो मैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है। अरे जब घर के बड़े अपनी जिम्मेदारियां उसके सर पे छोड़ के गए हैं, तो घर से चला कैसे गया वो? पता नहीं कहां भटकने गया है, पता नहीं कौन से मंत्री मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठे हैं सरकार की। 10 बार फोन किया और मेरा फोन नहीं उठाया उसने, और उसके सारे दोस्तों से फोन करके पूछ चुका हूं मैं कि कहां पर है मोहित। या तो किसी को खबर नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके कहने पर ही सारे के सारे छुपा रहे हैं मुझसे। सबके सब मिले हुए। अरे देवर जी को अगर जाना था तो हमें बता देते, हम कहीं ना जाते। अपने घूमने के चक्कर में उन्होंने तो हमें मरवा दिया। अब बाबू आएंगे तो मैं क्या कहूंगी कि आपके जाते ही हम सबको इतना जरूरी काम याद आ गया कि हमसे रहा नहीं गया। भगवान, अब मैं क्या कहूंगी बाबू को? ए धरती माँ, फट जा, जरा सी भी दया आ रही है अपनी मीनाक्षी पे तो फट जा और मुझे संभाल ले। बाबू खा जाएगी मुझे। अरे क्या खा जाएगी, खा जाएगी लगा रखी है। अबे चुप कर, बिल्कुल शांत हो जा। घर में कोई बड़ा सामान चोरी ना हुआ तो तू बिल्कुल शांत हो जा। मैंने अपने कमरे में और भाभो के कमरे में अच्छी तरह छानबीन की है, कुछ ना लेकर गए वो, थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ है। हाँ, भगवान की दया से घर में जो चोर आए थे ना, अनाड़ी थे, सामने पड़ी घड़ी तक ना नजर आई उन्हें, भाभो की कपाट तक ना खुली उनसे, और तेरे जितने भी जवाहरात थे वो सारे मैं पहली लॉकर में डाल आया था। देख तू रो मत, तेरा गला खराब हो जाएगा, चिंता मत कर। रसोई के जो बर्तन भांडे होते हैं ना, वही सब लेकर गए वो। पर जिन्होंने भी हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत की है ना, इनकी तुम मैं बैंड बजवा के रहूंगा। भैया सूरज भाई का कमरा वहां तो देख लिया ना आपने, कहीं कुछ चीज वहां से तो नहीं गई ना? नहीं, मगर जेठानी जी अपने कमरे का ताला तो लगा कर ही गई होंगी ना। मैंने चतुरी के मुंह से सुना तो था वो भाभो से एक बड़ा सा ताला मांग रही थी। अब जेठानी जी अपने पायल की टूटी हुई कनी तो नहीं जोड़ेंगी उसमें? फिर भी तूने मेरे मन में बहम डाल दिया है, मैं देख ही आती हूं। लो आ गए लॉर्ड साहब। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहना नहीं चाहिए, तेरे कान के नीचे ना दो लफाड़े मारने चाहिए। अरे हम घर से क्या गए, तू पीछे से गोली हो गया। पार्टी वार्टी करने गया होगा ना किसी दोस्त के साथ अपने, तुझे पता है पीछे से क्या हुआ? रे घर में चोरी हो गई, चोरी। तुझे बहुत पार्टी वार्टी करने का शौक है ना, अब दौड़ा दौड़ा के पार्टियां शाटियां निकालेगी भाभो तेरी। और अगर तुझे जाना भी था रे तो बता के जाता, हम ना जाते तू बता के तो जाता हमें। भैया मेरी बात तो सुनो, कसम से मेरा बिल्कुल मन नहीं था भैया वो, और कोई प्लान भी नहीं था, तो दोस्तों ने जबरदस्ती बोला तो मैं। घोड़े पे बिठा के लेके गए थे तेरे दोस्त तुझे, या तेरे भाई को लेके गए थे कि तू नहीं आएगा तो गोली मार देंगे? अरे आप में अपनी समझ नहीं थी क्या? दूध पीते हुए बच्चे हो, पता था ना आपको कि घर सूना है तो क्यों छोड़ कर गए? एक दिन अगर अपने दोस्तों को मना कर देते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, आपके दोस्त कौन सा आपसे दुश्मनी कर लेते? सच बताऊं, आपके कर्म की वजह से अब हमें भुगतना पड़ेगा। हे जी, बाबू तो मुझे खाई जाएंगी। लापरवाही की हद होती है मोहित। माना कि मेरी भी गलती है, लेकिन आप लोग तो ऐसे चिल्ला रहे हो कि सारा की सारा दोष मेरा है।
जैसे कि मैं ही चोर के पास गया था ना कि आ जाओ घर में, हैं घर में कोई नहीं है, घर सूना है, जो लेके जाना है ले जाओ, अभी मौका है, बाद में मिले ना मिले। रेतु अपनी बकवास बंद कर ले। एक तो तू गलती करता है, ऊपर से तो हम पे घुर रहा था। सॉरी भैया, सॉरी। देखो कैसे गोल गोल जलेबी बनाई है बिना टूटे। अरे ये तो उस्तादों के भी उस्ताद है, ऐसे थोड़ी नाम है इनका पूरे पुष्कर में। 15 साल का अनुभव है सूरज भैया को। हनुमान जी की ऊंची पहाड़ी वाले मंदिर, वहीं गए थे ना आप लोग? ये चंदे की रसीद। फिल्म की टिकट, वो भी बालकनी की। मतलब बालकनी में बैठ के हनुमान जी के भजन गाने में तो बहुत मजा आ रहा होगा। क्या हुआ है? देवर जी, फिल्म बालकनी। क्या सुनाया था अभी आपने है? अभी आप क्या दूध पीते बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, जिम्मेदारियां समझनी चाहिए है? और ये चोरी घर में मेरी वजह से हुई है। हम चाहे जितने बड़े हों पर हैं तो आपसे छोटे ना, जो सीखा है आपसे ही सीखा है। और हाँ, क्या झूठ बोला? तो आपने क्या बोला, आपने तो भगवान का नाम लेके झूठ बोला है। अब बताओ किसका झूठ बड़ा? एक ऐसा लड़का जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। सूरज सा 9वीं और आप 7वीं पास। वो जहां से भी गुजरेगा ना, सब उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। कितना मान दिया इस छोरे ने, अपनी दुकान पर हमारे छोरे सूरज का नाम लिखा है। सरस्वती माँ का पुजारी होगा वो। या कलेक्टर या तो जज, ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी मैं अपनी संध्या के लिए। अरे सूरज से बढ़िया हलवाई दुनिया में कोई नहीं। और जब उसकी कलम चलेगी तो सब देखते रह जाएंगे, है ना पापा? एक ऐसा लड़का जो तुमसे ज्यादा पढ़ा। सूरज सूरज नौवीं और आप सातवीं पास। सरस्वती माँ का पुजारी हो। अरे सूरज से बढ़िया हलवाई
दुनिया में कोई नहीं, या कलेक्टर या तो जज, या तो जज, ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी मैं अपनी संध्या। सूरज सूरज नौवीं और सूरज से बढ़िया हलवाई, हलवाई दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। ये चूड़ियां मुझे मम्मी जी ने दी थी, हर चूड़ी के साथ एक सीख भी दी थी। पहली चूड़ी सहनशीलता, हर सुहागन का सबसे बड़ा गुण। दूसरी चूड़ी समझौता, तीसरी सीख घर की लक्ष्मी के काम ऐसे होने चाहिए कि सारे घर वाले उसकी इज्जत करें। चौथी सीख विश्वास, एक बहू के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने ससुराल वालों का विश्वास जीते। पांचवी सीख माफी, छठी सीख है रिश्ते की प्यार की, आखिरी सीख घर की बहू को घर के सारे फैसलों में हिस्सेदारी करनी चाहिए। जब लड़की को गाय समझते कहीं भी बांध देते थे। मैं तो सारे बंधन तोड़ दूंगी।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।